अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम सैयद अता रहमान, मेरा यूट्यूब चैनल अता बुखारी के नाम से खालिस कुरान करीम की आवाज़, किसी फ़िरका किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं। असम साहब, आपने रिवायत नूर, मैं कहूँगा ये हदीस नूर कहते हैं लेकिन हमारे नज़दीक तो ये रिवायात ही हैं सारी, तो रिवायत नूर के मुतल्लिक जो पूछा है, लोगों ने चूँकि इसको पढ़ा नहीं होता कि इसके अंदर क्या चीज़ है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, दूसरे मालिक में भी ये जो, क्योंकि यहाँ से फिर आगे मसलक तो किसी भी जगह पे हो वो आगे फैलता है, उसके मानने वाले दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, तो इस रिवायत की रूह से ये जो मसालक के अंदर इख्तलाफ पैदा हुआ, ये रिवायत नूर जो है वो अभी तक चल रहा है। मैं इसको आप ये जो रिवायत है इसका ओरिजिन आपके सामने रखता हूँ कि ये रिवायत चली कहाँ से है, कब चली है, किसके ज़रिए से चली है, और आज तक इस रिवायत ने उम्मत के अंदर इंतशार और इख्तलाफ पैदा किया हुआ है। इसकी वजह से दो फिरके तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से वो बामी इख्तलाफ की हालत में है, और वो अहले तशियों को तो चलो एक तरफ रख दें, वो भी इसी में ही आते हैं, लेकिन जो ख़ुद अहले सुन्नत के जो फिरके हैं और उसमें ख़ास तौर पर जो देवबंदी और बरेलवी, ये दो, और इसमें यूं भी कर लें कि अहले हदीस और बरेलवी, ये आपस में इनका इख्तलाफ इसी रिवायत की रूह से है। तसव्वुफ़ के अंदर जो नज़रियात आए वो भी इसी रिवायत की वजह से आए, मैं भी आपके सामने रखता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये जो रिवायत नूर है ये सबसे पहले कहाँ से आई है? सबसे पहले ये रिवायत नूर आई है, ये एक मुहद्दिस हैं अब्दुल रज़ाक बिन अल हम्माम बिन नाफे अल सनानी, ये स्वात के साथ है अल सनानी। ये नाम देखिए आप, कितने बड़े बड़े ऐसे बड़े बारोब नाम रखे हुए हैं उन्होंने। ये यमनी अरब थे, ये 2827 ईस्वी के थे, 2827 ईस्वी में यमन के अंदर ये थे, उनकी वफ़ात हुई। तो इनकी एक हदीस की किताब है, रिवायत की किताब है, उसको कहते हैं मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक। ये अब्दुल रज़ाक के अपने नाम के ऊपर ये हदीस की किताब है, मुसन्नफ़ उस वो किताब का नाम है, और आगे जो मुसन्नफ़ है उसका अब्दुल रज़ाक वो साथ है। अब पूरा नाम इसका होगा मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक। तो इन्होंने एक ये रिवायत पेश की हदीस नूर या रिवायत नूर, और मंसूब किया उसमें जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, साहबी हैं जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उससे उन्होंने मंसूब करके ये रिवायत आगे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की। उसमें क्या लिखा हुआ है उस रवायत के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके सहाबी जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे उनको मुखातब किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब ऐसे हुआ नहीं है लेकिन उनको मुखातब किया, रिवायत के अंदर आ रहा है ये चीज़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब करके कहा कि ऐ जाबर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। अब इन अल्फाज को ज़रा गौर करते जाएं कि इन अल्फाज के मीनिंग क्या बन रहे हैं, कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह नूर है, यानी अल्लाह किसी एक मादा से बना हुआ है, किसी नूर भी तो मैटर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह ने कहा कि लैसा कमिसली शैयन, कि अल्लाह की मिसल कोई चीज़ नहीं है, आप कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकते अल्लाह के बारे में, आप उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी रूह से आप अल्लाह को पहचान सकते हैं। लेकिन इस रिवायत ये जो रिवायत नूर है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके और आगे जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब करके ये चीज़ बता रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा अपने सहाबी से कि ऐ जाबर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। तो फिर अल्लाह नूर हो गया ना, और फिर उस नूर से जब नबी पैदा हुए तो वो फिर नूर एक ना रहा,
वो दो हो गए ना। अब ये गौर करें आप, तेरे अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को, तेरे नबी के नूर अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। अब अल्लाह का नूर एक हुआ, अब उससे दूसरा नूर कौन सा बना? नबी का नूर। तो अल्लाह ने अपने नूर से फिर नबी का नूर पैदा किया, तो फिर अल्लाह दो हो गए ना। ये गौर करते जाएं आप, हम इसके ऊपर कोई, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ ऐसे हुई है तो ठीक है, आप समझे। लेकिन मैं वो वर्डिंग आपके सामने रख रहा हूँ कि उस हदीस, उस रिवायत की वर्डिंग क्या है कि ऐ जाबर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया, तो दो अल्लाह हो गए। ठीक है, जिससे वो दूसरा नूर हुआ तो वो भी तो अल्लाह ही हुआ ना। ये अब ये चीज़ होगी। आगे फिर इसकी तफसील बयान हुई है इसी रिवायत के साथ ही, इस ये जो जुमला मैंने बोला है इसी रिवायत के अंदर ही ये तफसील है। क्या आगे वो तफसील हो रही है कि इसके चार हिस्से हुए, यानी अल्लाह नूर था, फिर उस नूर से नबी का नूर बना, तो दो अल्लाह हो गए। अब इन दो जो अल्लाह हैं, ये जो सेकंड अल्लाह बना नबी का नूर, उससे फिर आगे चार हिस्से हुए उस नूर के। पहले तो अल्लाह का हिस्सा हुआ तो नबी बने उससे, तो दो अल्लाह हो गए। फिर उस नबी से मजीद चार हिस्से हुए उस नबी के नूर से, तो उस चार हिस्सों से क्या क्या चीज़ें बनी? उसमें रिवायत के अंदर आ रहा है कि एक चीज़ तो बनी लौ व कलम। लौ व कलम, वो जो लौ जिसके अंदर इन्होंने कहा कुरान महफूज है, कलम जो जिससे हम लिखते हैं, जिससे वो होगी। आगे दूसरा हिस्सा बना अर्श और कुर्सी, यानी अल्लाह का अर्श और उसकी कुर्सी, वो भी उसी नूर से बनी है। तीसरा हिस्सा वो बता रहे हैं कि आसमानो ज़मीन, यानी इसका मतलब सारी यूनिवर्स, ये जो जितनी भी फिजिकल यूनिवर्स है, मटेरियल यूनिवर्स है, इनकी इसकी बुलंदियां हैं, इसकी पस्तियां हैं, यानी ज़मीनो आसमान, ये सारे मेटिकल मटेरियल है ना, फिजिकल हैं, फिजिकल बॉडीज़ हैं। तो वो कहता है कि अब्दुर्रज़्ज़ाक इब्ने हम्माम कह रहे हैं कि ये भी इसके तीसरा हिस्सा आसमान और ज़मीन उस नूर के, वो भी उसी से बने, आसमान और ज़मीन उस नूर से, अल्लाह के नूर, फिर उससे नबी का नूर बना, फिर उससे ये चार हिस्से बने, तीसरा हिस्सा आसमान और ज़मीन है। और चौथा हिस्सा वो बता रहे हैं कि अरवा और मलाइका। अरवा कुरान के अंदर अरवा नहीं है, कुरान के अंदर रूह है, और रूह कुरान किसको कहता है? उस एनर्जी को जो वही लेकर अंबिया के पास आती थी, उसको कुरान रूह कहता है, वो एनर्जी होती है। मलाइका वो जितनी भी कायनात की कुवतें हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, वो मलाइका में आती। तो ये चार हिस्से उस नूर के हुए, तो उससे ये सारी कायनात बनी। तो ये कायनात फिर इट सेल्फ अल्लाह हो गई ना, जाहिर है कि उसी नूर से चल रही है चीज़। एक गिलास आपके पास पानी है तो उससे आप जितने मर्जी आगे वो उनको, उनके कतरे अलग-अलग कर लें, वो है तो वही पानी की कतरे, वो वही चीज़ होगी जो उस गिलास के अंदर पानी है। तो ऐसे ही आप ये नूर समझ लें, जिस तरह को उन्होंने आगे उसको बढ़ाया। तो इससे ये हुआ कि अल्लाह एक नहीं है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो अल्लाह है, यही चीज़ होगी ना। नबी भी उसी से बने, और ये जो लौह कलम, अर्श कुर्सी, आसमान व ज़मीन, अरवा व मलाइका, ये सारे उसी से बने। तो अल्लाह फिर एक ना रहा, वो तो कायनात के जितने भी ये चीज़ें हैं उसके अंदर वो तकसीम हो गया, अल्लाह की जो ज़ात है, ये बता रही है ये रिवायत। तो आगे फिर ये है कि ये जो रिवायत नूर है, ये इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि तसव्वुफ़ ने फिर इस रिवायत को लिया, तसव्वुफ़ ने फिर इस रिवायत को लेके दो नज़रिए बनाए। कौन से? एक है नज़रिया वहदतुल वजूद और दूसरा है नज़रिया वहदतुल शहूद। तो नज़रिया वहदतुल वजूद क्या है कि एक ही वहदतुल वजूद, यानी वजूद का एक होना, यानी ये सारी यूनिवर्स एक वजूद है और वो अल्लाह के वजूद से है, यानी अल्लाह के वजूद से बनी है। तो ये भी अल्लाह हुई ना सारी यूनिवर्स, इस रिवायत के मुताबिक सारी यूनिवर्स अल्लाह है। तो ये हुआ वहदतुल वजूद। अच्छा, इसके
उलट यानी इसके मुखालफत में एक और नज़रिया, वो भी तसव्वुफ़ नहीं दिया, वो है तसव्वुफ़ के बहुत कह लें बड़े नामवर, वो हैं मुजद्दद अलफ़सानी, ये भी सूफ़ी हैं तसव्वुफ़ के। उन्होंने फिर इस नज़रिए के मुकाबले में, ये जो नज़रिया वहदतुल वजूद था उसके मुकाबले में उन्होंने एक नज़रिया दिया, नज़रिया वहदतुश्शहूद, वो था नज़रिया वहदतुल वजूद, ये बना नज़रिया वहदतुश्शहूद। तो उन्होंने कहा कि ये जो हर चीज़ है वो अल्लाह के जो जिस उन्होंने बताया ना कि एक ही वजूद है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ अल्लाह के वजूद की शाहिद है। बातों वो फिर वही आ गई, उसका साया है, उसकी शाहिद है, उसकी शहादत दे रही है, तो बात तो फिर वही आ गई। यानी ये अल्फाज का फ़र्क हुआ कुछ, वहदतुल वजूद और वहदतुश शहूद, ये अल्फाज का फ़र्क हुआ, बाकी वही चीज़ आ जाती है। तो ये उन्होंने तसव्वुर दिया, इन्होंने ये जो नामवर सूफ़ी है मुजद्दद अलफ़सानी। तो ये झगड़े बर्रे सग़ीर के अंदर चलते रहे, कब की बात है, मुग़ल शहनशाह ये जो अकबर हैं उनके दौर की, 1605 ईस्वी में ये मुग़ल शहनशाह अकबर थे, बर्रे सग़ीर के शहनशाह। और वो उन्होंने क्या किया अकबर शहनशाह ने कि लोगों के अंदर मकबूलियत हासिल करने के लिए उसने जितने भी फ़िरके थे ना उस दौर के, तसव्वुफ़ के हों या शरीयत के हों, उन्होंने सब कोई अपने यहाँ जगह दी हुई थी अपने दरबार के अंदर। तो उनके वो मशायख और उलमा आते थे, वहाँ पे वो मज़े मज़े से वो बहसें करते थे, मज़े मज़े से वो चुटकले सुनाते थे, बातें करते थे। तो ये फिर इस तरह से उन्होंने अपनी मकबूलियत कायम की शहनशाह अकबर ने 1605 ईस्वी के अंदर, ये जो मुगलिया हुकूमत का दौर है। तो उससे फिर वो जो एक मिक्सचर बना ना मज़हब का, उसको उन्होंने दीन इलाही का नाम दिया। ये फिर बड़ा मकबूल हुआ क्योंकि उस दीन इलाही के अंदर उस वक्त के जितने भी फ़िरके थे उन सब की नुमाइंदगी थी, हर फिरके के जो नज़रियात थे वो शहनशाह अकबर ने उस अपने दीन इलाही के अंदर शामिल कर लिए थे। तो इससे फिर हर फिरका खुश था कि हमारा मसलक जो है, हमारा नज़रिया जो है वो भी दीन इलाही में आ गया। तो ये सारे फिर बड़े खुश थे और इनके उलमा और मशायख उनके दरबार में जाते थे, बहस व मुबाइसे होते थे, मुनाजरे होते थे, लंबी चौड़ी वो बड़ी गुफ्तगू होती चलती रहती थी बेमकसद, तो वो चलती रहती थी। जैसे अब भी मुनाजरे हो रहे हैं, मजहबी भी हो रहे हैं, सियासी भी हो रहे हैं, नतीजा कोई नहीं निकल रहा, ना कुरान के ऊपर कोई बात हो रही है, ना कुरान का कोई असूल है, वो खुद ही लगे हुए हैं। ये चीज़ ये होती रही शहनशाह अकबर के दौर के अंदर। अब आ जाएँ इसके बाद क्या हुआ, 827 ईस्वी में ये अब्दुल रज़ाक जो मुहद्दिस हैं, जिनकी मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक का मैंने हवाला दिया है इस रवायत नूर का, 827 ईस्वी से यमन से ये बात चली, यमनी अरब थे वो, तो कहाँ पे आई, मुगलिया दौर तक आ गई 1605 ईस्वी तक, और फिर आगे कहाँ पे आई, अगली सदी पे आ गई बात, शाह वलीला पे आ गई। अब शाह वलीला कब के हैं बर्रे सग़ीर के अंदर, ये हैं 1762 ईस्वी के शाह वलीला। इनका पूरा नाम जो है, शाह वलीला तो मशहूर है, उनका नाम पूरा नाम उनका है कुतुबुद्दीन अहमद वलीउल्ला बिन अब्दुल रहीम अल उमरी अद दहलवी, ये उनका पूरा नाम है, बड़ा इतना लंबा चौड़ा नाम है उनका शाह वलीउल्ला साहब का। शायद आपने उनका पूरा नाम नहीं सुना होगा, पता नहीं होगा, कुतुबुद्दीन अहमद वलीउल्ला ये पूरा नाम है उनका, आगे उनकी वलीयत वगैरह चल रही है। ये 1762 ईस्वी के थे। अब इन्होंने क्या किया, इनके दौर तक एक सदी के अंदर नज़रिया वहदतुल वजूद और नज़रिया वहदतुश शहूद, वो जो मुजद्दद अलफ़सानी ने पेश किया था, ये दोनों पॉपुलर हो रहे थे और इनके ऊपर क्या हो रहा था, दरबारों के अंदर मुनाजरे बहस मुबाइसे हो रहे थे पूरा वक्त, उनकी एनर्जी उनकी उनके वक्त उनकी तवानाइयाँ सब इसी के ऊपर सर्फ हो रही थी। वो कह रहे थे वहदतुल वजूद, वो कह रहे थे नहीं वहदतुश शहूद, और झगड़े हो रहे हैं, इख्तलाफात हो रहे हैं, कोई उनके पीछे लग रहा था, कोई उनको फॉलो कर रहा था, आपस में मुनाजरे बहस मुबाशे कर रहे, सुबह से लेके शाम तक दरबारों के अंदर यही काम हो रहा था, मस्जिदों के अंदर यही काम हो रहा था, वो जो मजालस होती थी मजहबी उनके अंदर यही काम हो रहा था, वहदतुल वजूद और वहदतुश शहूद। बेस क्या है, वो अब्दुल रज़ाक की वो जो रवायत जो मैंने अभी आपको बताई कि ए जाबर अल्लाह ने
तेरे अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। यहाँ से बात चली 827 ईस्वी यमन का ये जो मुहद्दिस है, ये जो शख्सियत है, वहाँ से ये बात चली है कहाँ, ये 1762 शाह वलीला तक आई बर सग़ीर के अंदर। अब शाह वलीला साहब ने क्या किया ये भी सुन लें। इनकी किताब है फैसला वहदतुल वजूद व शहूद, एक रिसाला टाइप एक किताब है, तो रिसाला कह लें आप। तो इन्होंने ये वो एक पम्फलेट या रिसाला उन्होंने वज़ा किया, एक बुकलेट है फैसला वहदतुल वजूद व शहूद। इसके अंदर उन्होंने फैसला दिया वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के मुतालिक, बेस वही रिवायत है जो मैंने अभी हदीस नूर या रिवायत नूर, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि हमारे नज़दीक दोनों मुकाशफे सही हैं, यानी वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का दोनों ये जो नज़रिए हैं तसव्वुफ़ की दुनिया के, ये दोनों ही सही हैं। यानी अल्लाह ताला ला महदूद अज्ज़ा में तकसीम हो गया, यानी उसकी तौहीद वहदानियत उसको उन्होंने बिल्कुल उसका मसख कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ वो लेकर आ गए, इस चीज़ को फिर फाइनली शाह वलीला साहब ने ये कह दिया कि ये दोनों ही सही हैं, वहदतुल वजूद भी और वहदतुल शहूद भी। अब समझ आई कहाँ से बात चली, यमन से 827 ईस्वी से, कहाँ पे आई ये शाह वलीला मुहद्दस देलवी तक, और फिर उससे क्या क्या अकायद बने वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, और फिर वो देवबंदियों की और बरेलवियों की, और फिर बरेलवियों की के साथ देवबंदियों और अहले हदीसों की लड़ाइयाँ, और नूर और बशर के झगड़े चल रहे अभी तक हैं। वो थोड़ा सा अंदाज बदला है, अभी तक वो उसी झगड़ों के अंदर हैं, ये उसी मुखालफत के ऊपर हैं, तनाज़े हो रहे हैं, बहस मुबहसे हो रहे हैं। ये है जी वो ये रिवायत जिसकी डिटेल आपने मुझे पूछी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि इस ये क्या रिवायत है, कैसे शुरू हुई, किस किस तरह से मुसलमानों के अंदर बिगाड़ इंतशार फिरके लड़ाइयाँ बहस मुबहसे हुए। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल आप इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे वीडियोस मिलते रहें, खुश रहें। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।